भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने गुरुवार को ग्राहकों के हितों को देखते हुए एक अहम आदेश दिया है। इसके तहत ट्राई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने को कहा है। अब टेलीकॉम कंपनियां इस आदेश के नोटिफिकेशन के 60 दिनों के अंदर 30 दिन वाला प्रीपेड प्लान पेश करना होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अधिकतर टेलीकॉम कंपनियां एक महीने के नाम पर 28 दिन की वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान ही मुहैया कराती हैं। इसी हिसाब से ग्राहकों को रिचार्ज कराना पड़ता है। ट्राई के इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। इक्का दुक्का प्लान में ही 30 दिन की वैलिडिटी होती है। एक दो दिन के गैप को ग्राहक उतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन ओवरऑल इसका असर काफी पड़ता है। इससे आपकी जेब जहां ढीली होती है, वहीं कंपनियों को फायदा होता है। अभी 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान को अगर आप ठीक से काउंट करेंगे तो इस हिसाब से आपको एक साल में 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं। अब जब 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान आएगा तो हर महीने आपको 2 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। इस तरह साल में यह करीब 1 महीने के आसपास हो जाएगा। ऐसे में आपको एक रिचार्ज कम करना होगा। ट्राई ने अपने आदेश में कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर अपने ग्राहकों के लिए पेश करेगा। दोस्तों वाकई में बिल्कुल सही कहा ट्राई ने, जो टेलीकॉम कंपनियां इनका 28 दिन का मंथ होता है। लेकिन आप लोग बताइएगा, आप लोगों के हिसाब से ट्राई का ये फैसला आपको कैसा लगा बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन सी टेलीकॉम कंपनी का सिम यूज करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके उस कंपनी का नाम लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।